हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो देखिए, झारखंड में जो है चौकीदार पद के लिए, यानी कि झारखंड में जो है चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दी गई है, जिसमें कि जिला स्तरीय चौकीदार की भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। बताते हैं किस जिला से वैकेंसी आई हुई है। उसके पहले यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कहाँ से वैकेंसीज आई हुई हैं, किस पोस्ट के लिए आई हुई हैं। तो देखिए, चौकीदार के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 389 सीटें हैं। उसके बाद महिला के लिए बताते हैं तो 20 सीटें रिजर्व्ड हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सभी अलग अलग कोटि की यानी कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद चलिए बताते हैं वैकेंसीज कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें देखिए बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो इसमें 100 रुपीज लगने वाले हैं, और जिसका छूट जो है यानी कि SC/ST कैंडिडेट को 50 रुपीज देने होंगे। और यहाँ पे बात करते हैं उम्र सीमा, तो न्यूनतम उम्र सीमा आपका 18 वर्ष है। मैक्सिमम बात करते हैं अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए 37 वर्ष, महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष होता है। तो अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले लिखित एग्जाम होने वाली है, फिर शारीरिक माप होगी, जिसमें कि देखिए सामान्य कैटेगरी की जो है ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर होता है। तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 मील की दौड़ बताते हैं, पुरुष के लिए 5 मिनट में 1 मील की दौड़ करनी होगी, और महिला के लिए 8 मिनट में 1 मील की दौड़ करनी होगी। और इसमें देखिए आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है। तो चौकीदार नियुक्ति से संबंधित योग्यता सहायता रखने वाले अभ्यर्थी विध प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज स्वरूप प्रमाणित यानी खुद से उसमें सिग्नेचर करके यहाँ पे सबमिट करना होगा, जिसमें कि शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र यानी कि टोटल क्वालिफिकेशन जो है आपका, उसका मार्कशीट का जीरोक्स लगाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप आरक्षण कैटेगरी से यहाँ पे होते हैं तो उसका भी, और जन्म तिथि से शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 4 पासपोर्ट साइज फोटो लिफाफा में करके यहाँ पे आपको जो है भेज देने होंगे। उसके बाद देखिए बताते हैं वैकेंसीज कहाँ से आई हुई। तो वैकेंसीज जो है हमारे उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय गिरिडीह से वैकेंसीज आई हुई हैं, सामान्य जिला शाखा से। सभी जिला में निकाली जाएंगी। विज्ञापन संख्या 1/2023 चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 2023 से निकाली गई हैं। देखिए आपको कब से कब तक फॉर्म को फिलअप कर देना है। तो फॉर्म जो है 16/11/2023 शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में निबंधित डाक की स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है, यानी कि 16 नवम्बर तक आपको जो है फॉर्म फिलअप करके भेज देना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। कहाँ पे भेजना है, तो संयुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय जिला सामान्य शाखा न्यू बिल्डिंग प्रथम तल्ला पपरवा टांड गिरिडीह में भेज देना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने कर दिया है क्लियर। कोई अदर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो की www.giridih.nic.in पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म को फिलअप कर देना, बिकॉज 100 रुपीज आपको पे करने होंगे। सभी इन्फॉर्मेशन को मैंने कर दिया क्लियर। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, पहली बार से विजिट कर रहे हो टू सब्सक्राइब प्रेस बेल आइकन फॉर अपडेट। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साथ मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो कर लेना, बिकॉज कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराती हूँ।